नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हूँ, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन। मैं आभारी हूँ सिराजम कंपनी का, जिनके सौजन्य से ये अवसर मिलता है कि मैं आपसे बातचीत कर सकूँ स्पाइन के विषय में और अन्य स्वास्थ्य संबंधी विषयों के ऊपर। लगभग नवंबर कहें या मार्च के महीने से कोरोना का प्रकोप पूरे विश्व पर एक महामारी की तरह हुआ, जिसकी वजह से हम लोगों के जीवन पर और जीवन के कई आयामों पर महत्वपूर्ण अंतर आया। हम लोगों का सामाजिक गतिविधि सब बंद हो गई लॉकडाउन के दौरान, और उसके बाद भी नियंत्रित रूप से ही सामाजिक गतिविधि कर पा रहे हैं। बहुत से लोगों को अपने व्यवसाय में दिक्कत आई और हम लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा। शारीरिक रूप से हम सब लोगों की गतिविधि कम हो गई, शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो गई हैं, क्षीण हो गई हैं। खाना घर पे जो है, घर का तो मिला लेकिन बहुत ज्यादा मिला, जिसकी वजह से बहुत से लोगों के कमर जो है कमरा हो गई। सर्दी आती है, सर्दी में हम कुड़कते हैं, उसके बाद फिर बसंत ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है। इसी तरह से रात होती है, रात के तम के बाद सुबह का सुनहरा प्रकाश भी आता है। तो ये बीमारी भी महामारी है और महामारियों की तरह थोड़ा ज्यादा प्रभावित कर रही है विश्व, लेकिन समय आएगा जब ये भी समाप्त होगी। लेकिन इस बीच में हमको अपने स्वास्थ्य का देखभाल करनी होगी। घर पे रहकर भी हम अपने शरीर का व्यायाम कर सकते हैं, अपने मांसपेशियों को चलायमान रख सकते हैं, रक्त के प्रवाह का ध्यान रख सकते हैं, और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट, हृदय के रोग होते हैं उनकी भी देखभाल दवाइयों द्वारा और नियमित नियंत्रित व्यायाम के द्वारा कर सकते हैं। ऐसे बहुत से उपकरण हैं जो कि घर पे रहकर हम प्रयोग में ला सकते हैं, जिससे कि हमारे शरीर को गर्मी मिले, रक्त का प्रभाव बना रहे, कंपन मिले जोड़ों को, और मांसपेशियों का अंदर जो है ताकत बनी रहे। मालिश करना पुराना तरीका है, और अपने आप को गर्म रखने से, चाहे कपड़े पहन के चाहे गर्म चीजें खाकर, हम अपने शरीर का तापमान ठीक रख सकते हैं। शरीर का तापमान ठीक रखने से एक तो हमको जो है शरीर में रक्त प्रवाह अच्छा होता है, दूसरे हमारी प्रतिरोधक शक्ति जो है वो अच्छी हो जाती है। प्रति एक डिग्री तापमान के ऊंचा रहने से करीब करीब 40-70% तक का लाभ होता है प्रतिरोधक शक्ति में। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखकर हम इस समय में, जिसमें कि कई हमारे ऊपर विद्याएं सी आई हुई है माना जाती थे, उसका ध्यान रख सकते हैं कि हमें कोई रोग ना हो। इसके अलावा अब नवंबर का महीना चल रहा है और सर्दियां इस बार जल्दी भी आ रही हैं, और ऐसी भविष्यवाणी है कि जो है ज्यादा तीव्र होगी इस बार की सर्दी। तो ऐसे में हमको और भी सतर्क रहना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य के प्रति। ऐसे उपकरण हैं जो कि हमारे शरीर को मालिश भी देते हैं, जिससे कि हमारा रक्त प्रभाव बढ़ता है, मांसपेशियां स्वस्थ रहती हैं, जो तापमान बढ़ाते हैं, जो कंपन देते हैं जिससे कि खून का प्रवाह, रक्त का प्रवाह अच्छा हो जाता है, और इसके अलावा हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी को खास तौर से मालिश करके और उसको खींच के, ताकि जिसको कहते हैं ना स्ट्रेच करके, उसके स्वास्थ्य का ध्यान भी रखते हैं। धन्यवाद।